पूरा देश और मध्य प्रदेश भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना से जंग लड़ रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। आपके सहयोग से हम भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कोरोना को हराने के हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। अब एक तरफ तो यह है कि हम कोरोना जब हो जाए तब उसका उपचार करें, लेकिन एक तरीका और है कि हम ऐसी व्यवस्था करें जिससे कोरोना हो ही ना, और ये तब संभव है जब हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए। और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के हमारे देश में आज नहीं, हजारों साल पहले से आयुर्वेद में कई नुस्खे बताए गए हैं, और उसमें से एक है त्रिकुट चूर्ण, जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं काढ़ा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में काढ़ा पीने की जनता से अपील की थी, और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना बनाई है, जीवन अमृत योजना। इस योजना के तहत हम काढ़े के पैकेट 1 करोड़ पैकेट जनता के बीच में बांटेंगे। इस काढ़े में हमारी आयुर्वेदिक औषधियां रहती है, एक छोटा चम्मच काढ़ा काढ़े का चूर्ण आप निकालिए, तुलसी के 3-4 पत्तों के साथ 1 लीटर पानी में डालकर उबालिए, और जब पानी आधा रह जाए तो उसको छान के आप गुनगुना घूम घूम करके 1 कप पी लीजिए। आप दिन में 3 से 4 बार तक पी सकते हैं, इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। और इसलिए हमने तय किया है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तो फिर कोरोना हमारे शरीर को प्रभावित नहीं कर पाएगा। और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना कई रोगों का निदान है, पीपल सॉल्ट और काली मिर्च तीनों को समान अनुपात में कूट के इसको बनाया जाता है। मध्य प्रदेश शासन का वनोपज संघ बना रहा है, और काढ़े के 1 करोड़ पैकेट हम जनता के बीच पहुंचा रहे हैं। शासकीय अमला जनप्रतिनिधियों के साथ इस काढ़े के पैकेट का वितरण करेगा, और मेरी आप सबसे अपील है काढ़ा जरूर पिए ताकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके और हम कोरोना का मुकाबला कर सकें।